स्टूडेंट्स ये चैप्टर एट रिडॉक्स रिएक्शंस की एन प्रॉब्लम है राइट तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं जस्टिफाई दैट द रिएक्शन टू एन प्लस एच गिव राइज टू टू एन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन राइट सो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है दैट इज टू एटम्स ऑफ सोडियम राइट एंड इसमें हाइड्रोजन गैस जो है ये एड की है और इसकी वजह से हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए एच सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ है राइट हमने ये प्रूव करना है कि ये रिएक्शन जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए राइट अब अगर आप अपना प्रोडक्ट देखो तो ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि मुझे पता है कि ये एन ए पॉजिटिव प्लस एच नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट करेगा राइट right? सो so, अब यहां पे जो एन ए है अगर मैं इस रिएक्शन को स्प्लिट करती हूं राइट right? सो so, अगर मैं एन ए लेती हूँ सो फॉर श्योर एन ए यहां पे किस फॉर्म में आ रहा है ये टू ऑफ एन ए पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है आई नो इट वेरी वेल कि यहां पे जो अटोमिक स्टेट में एन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी राइट सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो टू पॉजिटिव की तरफ जाती है तो फॉर श्योर sure यहां पे ऑक्सीडेशन होती है राइट right? सो so, यहां पे जो एन है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है राइट right? सो so, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो प्रूव हो गया कि एक रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होनी भी ज़रूरी है अब अगर आप अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखो तो इसमें H2 टू दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रही है ये हमारे पास H नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है अब मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर स्टेट में किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आती है लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड देखो तो यहां पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज माइनस वन और अगर जीरो से नेगेटिव की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है तो उस केस में उस स्पीसीज की रिडक्शन होती है राइट सो फॉर श्योर यहां पे जो हाइड्रोजन है इसकी रिडक्शन हो रही है सो so, हमने यही प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया यू कैन राइट इट एज स्प्लिटिंग ऑफ अबव रिएक्शन Under examination reveals that sodium is oxidized whereas. hydrogen is reduced therefore the complete reaction is redox reaction